भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय हज कमेटी के चेयरमैन एपी अब्दुल्ला कुट्टी ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्विजय सिंह के साग के अभिनंदन के स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें, इस मौके पर एपी कुट्टी ने कहा कि संगठन ने श्री साग को बड़ी जिम्मेदारी दी है। भगवान श्री साग को अच्छा काम करने की शक्ति दे, साथ ही उन्होंने योगी और मोदी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने यूपी को नंबर एक होने में मदद की है। यूपी में बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है और यहाँ बड़ा इन्वेस्ट करने की तैयार। हालांकि योगी सरकार से पहले यूपी की कानून व्यवस्था चौपट थी। योगी मोदी के राज में यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो कार्यकर्ताओं के लिए काम करना कोई वो नहीं है। जहाँ तक बड़ी जिम्मेदारी की बात है, तो निश्चित रूप से मैं पहले तो अपने प्रदेश नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का आभार देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है और उन्होंने जिस भरोसे के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं अपनी टीम और कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ये कहना चाहता हूं कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ब्रज में आगे ले जाऊँगा। नगर निकाय चुनाव की अगर बात करें, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी? देखिए, नगर निगम चुनाव हो चाहे 2024 का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे काम करती है। दूसरे दल केवल तभी काम करते हैं जब चुनाव होते हैं, तो चुनाव हमारे लिए कोई चुनौती इसलिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन 24 घंटे लोगों की सेवा में रहते हैं, जनता की सेवा में रहते हैं। तो हम सब लोगों का संगठन बहुत मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता सब बहुत सक्रिय हैं, हमारे नेतृत्व पे चाहे वो आदरणीय योगी जी हों, चाहे आदरणीय मोदी जी हों, उन सब पर जनता का बहुत ही भरोसा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं, हम लोग 6 के 6 नगर निगम जो ब्रज में आते हैं वो जीतेंगे, साथ ही साथ अधिकतम नगर पालिकाएँ जीतेंगे और नगर पंचायतों में भी हम सब अच्छा प्रदर्शन करेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि वहाँ पर अपने वादों पर खरे उतर पाए, नगर चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उनको लेकर कितना खरा उतर? देखिए, उनकी बात का कोई महत्व इसलिए नहीं है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन सबसे महत्वपूर्ण होती है। उनको जनता पूरी तरीके से नकार चुकी है। हमने, हमारी सरकारों ने 100% वादे पूरे किए हैं और हम लोक कल्याणकारी सरकारें चला रही है भारतीय जनता पार्टी, तो इसलिए उनकी बात का कोई बहुत। आज प्रोग्राम में देखा जा रहा है मुस्लिम समुदाय की काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबका साथ सबका विकास पार्टी का नारा है, तो इसलिए बीजेपी में सभी का स्वागत है। जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनका स्वागत है, हमारा किसी से घृणा वाला विषय। मायावती ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि दलगत राजनीति करती है, तो क्या कहना चाहेंगे? मायावती ने जो उन पर आरोप लगाया है, अब उन दोनों के बारे में क्या कहें, दोनों ही कभी कभी पिछले चुनाव में आप समझिए दोनों इकट्ठे हो गए। बीजेपी तो बहुत वर्षों तक सत्ता से बाहर रही, आज वो गेस्ट हाउस का याद कर रही है, बनाया है, तो उसी के उपलक्ष में केरल से चलकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय एपी कुट्टी जी, चेयरमैन हज कमेटी ऑफ इंडिया, वो बरेली में आए, यही एक मुख्य कार्यक्रम, इसी की वजह से वो आए हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की अगर नगर निकाय चुनाव की बात करें तो किस तरीके से तैयारी चल रही है? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, पार्टियों का अपना एक एजेंडा होता है, जो पार्टी तय करेगी सारी चीज़ें वही होंगी, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। हाँ, मुस्लिम समाज को बस ये संदेश क्या है, एक्चुअली क्या है, आदरणीय अपने एपी कुट्टी जी एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, माइनॉरिटी समुदाय से, तो उसमें जो है माइनॉरिटीज का अपना एक महत्व है, जिसमें वो हिंदुस्तान का एक मुख्य चेहरा है। तो उन्होंने कल रोजा अफ्तारी में गाय के दूध से रोजा अफ्तार किया, ये एक अपने अल्पसंख्यक उसके लिए ये जो है बहुत बड़ी बात है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है @jmdnews।